यार टेस्ट में बड़े स्किप करता हूँ यार, दो दो हफ्ते बाद, लिटरली दो दो, एक कन्फेशन भी है यार, पता नहीं कितने टेस्ट हो गए होते हैं, कितने मिस हो गए होते हैं, क्योंकि पढ़ना हमें एंड भैया व्लॉग करना है, मुझे व्लॉग करना है, व्लॉग करना है, मुझे व्लॉग करना है। Hey everyone, assalamu alaikum, hope all is doing perfectly, alright, this is Malik Ali Shanaab. तेरे मोहन इतने प्यारे क्यों लग रहे हो आज यार? नहीं ड्रेसिंग करके आए हो किसे मिलने? Someone special? नहीं अच्छी बियर्ड है, गोरा चिट्टा रंग है। आए हाय हाय हाय। बाल शलवार कमीज। कल नहीं, कल तीन बड़ी आनी है। आज लंच के राउंड पे स्टिंग और ये पीनट बिस्किट। आज ना ही वो जीरा मेरे पास और ना ही कोक मेरे पास। स्टिंग इज ऑलवेज यार। यार फर्स्ट व्लॉग जो है ना मैंने अभी बनाना है, वो मैंने अभी बनाना है। ये वाला व्लॉग जो है ना आप देखेंगे उस व्लॉग के बाद, उस पे थोड़ी सी मुझे मेहनत करनी है। आजकल फर्स्ट व्लॉग वायरल भरे हो रहे हैं तो मैंने सोचा कि बनाना चाहिए जरा। यार कितना कमाल का मौसम हुआ है, यहाँ धूप है, आज हल्की हल्की बारिश है, ड्रिजलिंग हो रही है, हम सारे इधर बाहर बैठे हुए हैं। क्लास लेने का आज बिल्कुल दिल नहीं कर रहा क्योंकि टेस्ट हो रहा है, वाइवा था क्लास में, वाइवा वो फाइनल वाला वाइवा नहीं, क्लास में सर ने कहा था कि ये सुनूंगा। मेरे साथ ये हसनात है और ये जाहिद है, इसीलिए मैंने कहा अगर मैं पकड़ा जाऊँ तो ये भी दोनों साथी हूँ। यार मैं कॉलेज से आ गया था तो उसके बाद मैं व्लॉग नहीं बना सका, तो अभी मैं कजन वगैरह के साथ जाता हूँ, आउटिंग का प्रोग्राम बना हुआ है, मैं फिजान और सर डॉक्टर साहब। आज फ्राइडे नाइट थी, दोस्तों के साथ भी प्लान था नहीं हमारा, तो मैंने सोचा कजनों के साथ आ जाए। ये कजन नहीं है, वो कजन गाड़ी पार्क करने की। हमारे पास आज भी दो ऑप्शन थे, एक ऑप्शन था पापा जान और दूसरा था चिकन कॉट। हम कहाँ आए, हम यहाँ आए। सियालकोट ही उर्दू पे टॉन्ट कर रहा बंदा क्या करे सियालकोट में रहने वाले, अब एक्सीडेंट ही मारा यहाँ हाल है आपका। यार मैं आज तक जिस रेस्टोरेंट में भी गया हूँ ना, मेरे व्लॉग में आ रही लिस्ट देख रहे हैं, 8 से 10 रेस्टोरेंट में अभी तक जा चुका हूँ, मतलब वीडियोस बनाने के लिए। मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा कि आप वीडियो नहीं बना, परमिशन नहीं लिया आपने, लेकिन यहाँ पे मुझे कहा डियर चिकन कॉटेज व्हाट इज दिस बिहेवियर, नहीं मतलब आप इतने मशहूर बंदे का परमिशन लेने का, तो थोड़ा ज्यादा हो। यार बड़ा सुना हुआ था चिकन कॉटेज के मलाई पिज्जा का टेस्ट अच्छा था, मेरे नंबर 10 में से 7, 8 वाला नहीं था और 6 वाला भी नहीं था। जैसे ही हम अपना पिज्जा खत्म करके बाहर की तरफ निकले तो हम बैठे हुए थे चिकन कॉटेज पे, चिकन कॉटेज के बिल्कुल ही राइट साइड पे अल्लाह मालिक, और अल्लाह मालिक वालों ने एक नया अपना हॉल बनाया, चिकन कॉटेज और अल्लाह मालिक के मिड में है वो उनका नया हॉल। तो मैं निकला बाहर और राइट साइड पे जस्ट टर्न लिया, मेरे से 180 के एंगल पे आ गई और मैंने देखा कि अल्लाह मालिक का जो हॉल है वो गेट के बिल्कुल साथ एक पर्सनैलिटी बैठी हुई है, तो मैंने उधर खड़े होकर उनको पहचान लिया। रिलीजियस पर्सनैलिटी यार, मैंने उनको बहुत ही सुना है बचपन से लेके आज तक, पंजाबी स्पीकिंग लोग जहां पे भी बसते हैं वो उनको जानते ही होंगे, क्योंकि मोस्टली आलम दीन का जो अंदाजे हताबत होता है वो किसी आम बंदे की समझ में नहीं आता, क्योंकि आम बंदे का इंटेलेक्ट लेवल वहां पे नहीं पहुंच सकता, लेकिन इनको आप सुनोगे तो आप डेफिनेटली रिलेट कर पाओगे, इनकी पूरी तकरीर को समझ पाओगे, ये तो मैं गारंटी देता हूँ आपको। मैं दरवाजा खोल के अंदर गया, मैंने उनको ऐसे देखा और उन्होंने भी मेरी तरफ देखा, तो वो समझ गए थे ये बच्चा मिलना चाह रहा है। फिर मैं अंदर गया, सलाम अलैकुम हजरत, कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बस भी चेयर से उठ के बाहर आए, उन्हें बड़े अच्छे से तरीके से मिला। वो होता है ना इंसान के, जिस इंसान को आप बचपन से सुन रहे हो, बचपन से देख रहे हो, उनसे जब आप मिलो तो एक बड़ी नॉस्टैल्जिक सी वाइब्स आती हैं, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। ये रही उनकी फोटो, अगर आपको इनका नाम आता है, नाम बता दो, नहीं आप बताओ, आप में से अगर कोई बता सकता है तो बताए। यार क्या ही कोई मजेदार किस्म का मौसम हुआ है, हवा चल रही है कोई बहुत ही ज्यादा तेज, साथ हो रही है बारिश, तो आप टाइम लैप्स देखिए। We'll see you in the next video. Till then, take good care of yourself. Follow your dreams. Allah Hafiz.